वेलकम स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के बाद एक एडिशनल टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है जिसको कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ए सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्या है? ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो है एक एपिथेलियल टिश्यू दूसरे एपिथेलियल टिश्यू से जो जुड़ता है, तो एट द पॉइंट ऑफ देयर जॉइंट्स, उनके जोड़ने का जो पॉइंट्स होता है वहाँ पर जो है जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और वो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स जो दो सेल को पकड़ के रखते हैं, जो दो सेल को जोड़ कर रखते हैं, तो सेल का ये जो जंक्शन होता है इसी को कहा जाता है, जो कॉम्प्लेक्स तैयार होता है उसी को जो है यहाँ पर सेल जंक्शन कहा जाता है। एक सही यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर चाहे एक लेयर हो, मल्टी लेयर्ड हो, या एक सिंगल लेयर यहाँ पर पाए जाए, और हर एक लेयर के अंदर जो सेल होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो एक सेल दूसरे सेल के जो कनेक्शन का जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को कहा जाता है सेल जंक्शन के नाम से, इसको जो यहाँ पर पहचाना जाएगा। टोटल यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 टाइप के जंक्शंस जो यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, जिसके अंदर पहली टाइप जो होती है उसको कहा जाता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होते हैं? सेल मेंटेन द पोलैरिटी, सेल के अंदर जो है यहाँ पर जो भी केमिकल आ जाते हैं अब उसकी जो है पोलैरिटी को यहाँ पर जो है मेंटेन रखता है, एंड प्रिवेंट डिफ्यूज़न ऑफ प्रोटीन एंड आयन। अब यहाँ पर प्रोटीन और आयन जो यहाँ पर सेल के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जो इंटर हो चुके हैं, ये उसी को जो है यहाँ पर मेंटेन रखने के लिए ज़िम्मेदार होता है, और दूसरे सेल में डिफ्यूज़ होने के लिए, ट्रांसफ़र होने को ये प्रिवेंट करता है, उसको अलाउ नहीं करता है। यानी यहाँ पर जो भी मटेरियल प्रोटीन और आयन मिनरल सॉल्ट यहाँ पर आ गए हैं वो उसको जो यहाँ पर यूज़ कर लेता है, और यहाँ पर एक टाइट बॉन्डिंग यहाँ पर पाई जाती है जिसके जरिए वो जॉइंट्स जो होते हैं, वो जंक्शन जो होता है वो फिक्स हो जाता है, और यही जो जंक्शन यहाँ पर मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड ए टाइट जंक्शन के नाम से इसको पहचाना जाता है। फिर दूसरा यहाँ पर जो है हेमी डिस्मोसोम, ये जो जंक्शन होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस ऑफ द सेल। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है सेल को सही पोजीशन में यहाँ पर रखना, जितने भी उसके अंदर सेल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट फॉर द लाइफ ऑफ द सेल, फॉर द लिविंग ऑफ द सेल, जितने मटेरियल चाहिए, कितना वाटर चाहिए, उन तमाम चीज़ों को सही कंडीशन में मेंटेन रखना, अगर कम है और ज़्यादा रिसीव कर लेना, और अगर एक्सेस अमाउंट में है तो उनको बाहर जो सीक्रेट कर लेना, इसको कहा जाता है मेंटेनेंस ऑफ होमियोस्टेसिस। यानी ऑल द मटेरियल्स ऑफ द केमिकल्स दैट आर फाउंड इन राइट प्रोपोर्शन इन द सेल, इसी को कहा जाएगा होमियोस्टेसिस। और ये काम जो होता है, जो जंक्शन होता है, जो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर कमी है मटेरियल को ट्रांसफ़र करेगा, ज़्यादा है उसको आगे बढ़ा देगा, तो ये काम जो होता है, ये जंक्शन रहेगा दो सेल के बीच में, जो यहाँ पर ये तमाम मटेरियल को अलाउ करेगा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसको कहा जाता है हेमी डिस्मोसोम कहा जाएगा। तो इस तरीके से सेल के अंदर होमियोस्टेसिस मेंटेन रहेगी, उसके अंदर वाटर का परसेंटेज, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के परसेंटेज सब वहां पर जो सेम पाए जाएंगे। उसके बाद यहां पर डिस्मोसोम्स से दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। सेल को जो है यहां पर या बहुत सारे जो टिश्यूज़ हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। दे सपोर्ट द एपिथेलियल टिश्यू, बॉडी के बाहर या ऑर्गन के बाहर या सबसे अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं। उसी तरह दे ऑल्सो सपोर्ट द कार्डियक मसल। आगे हमारा आने वाला है मस्क्यूलर टिश्यू के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर चेस्ट रीजन के अंदर राइट साइड में सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन यहाँ पर मौजूद है। ब्रेन के बाद जिसका यहाँ पर जो है वो नंबर आता है वो है वाइटल ऑर्गन हार्ट है। हार्ट जो है यहाँ पर ह्यूमन की पैदाइश से पहले ही इसके अंदर पंपिंग प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा और डेथ तक ये अपना काम करता है। तो अवर हार्ट इज़ मेड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल दैट इज़ कॉल्ड एज कार्डियक मसल या कार्डियक टिश्यू कहा जाएगा। तो एक मसल दूसरे मसल फाइबर के दरमियान में भी यहाँ पर जो डिस्मोसोम यहाँ पर मौजूद होते हैं, ये सेल जंक्शन मौजूद होता है विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यह जो है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए है, और हार्ट बराबर मजबूती के साथ अपना वर्क कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है। इसी तरीके से ये जो डिस्मोसोम्स होते हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेनिंजेस। अब ये मेनिंजेस क्या है? हमारा ब्रेन है,
ब्रेन के ऊपर यहाँ पर जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, मेम्ब्रेनस फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होती हैं। तीन लेयर होती है, आउटर मेनिन जो है, मिडल है, इनर है। तो यहाँ पर इनके अंदर भी, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन दूसरे मेम्ब्रेन इनके दरमियान जो सेल होते हैं, इनके दरमियान में भी यहाँ पर जंक्शंस मौजूद होते हैं विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और हमारा ब्रेन अपनी एग्जैक्ट सही पोजिशन पर वहाँ पर जो है पाया जाता है। तो मेनिंजेस के बीच में भी यहाँ पर जो है डिस्मोसोम्स, यहाँ पर ये सेल जंक्शन जो है यहाँ पर मौजूद होता है। फोर्थ टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है वो गैप जंक्शन है, दैट अलाउज द पैसेज ऑफ आयन एंड केमिकल्स बिटवीन द सेल। एक के सेल से दूसरे सेल के अंदर जो भी मटेरियल है ट्रांसफ़र होने के लिए दे प्रोवाइड पैसेज, एक रास्ता प्रोवाइड करेगा। उसी रास्ते के ज़रिए, उसी चैनल या कैनाल के ज़रिए मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल के अंदर यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पर ये नली होती है, गैप होता है, जिसके ज़रिए से मटेरियल यहाँ पर एक सेल से दूसरे सेल के अंदर इनका ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस यहाँ पर पाया जाएगा। तो जो पार्टीशन वॉल है, जो जंक्शन है, उनके बीच में यहाँ पर जो ये गैप है, ये कैनाल यहाँ पर पाई जाती है, इसीलिए उसको जो है गैप जंक्शन के नाम से पहचाना जाएगा। और लास्ट टाइप यहाँ पर जो जंक्शन की पाई जाती है, एडेरेंस जंक्शन, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनते हैं, फिर ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, जहां पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर यहां पर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, तो यहां पर जो जंक्शन होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड एडेरिन जंक्शन यहाँ पर कहा जाएगा। जो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, ये प्रोसेस रेगुलर रहे, प्रोटीन बनने का काम जारी रहे, इसके लिए यहाँ पर जो एडेरेंस जंक्शन जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से पहले हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू, वो कंप्लीट होता है, सिंपल एपिथेलियम है, कॉम्पाउंड एपिथेलियम है। अब ये जो तमाम सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम के बीच में जो सेल्स होते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ जंक्शन, बॉडी के अलग अलग पार्ट के ऊपर अलग अलग टाइप के जंक्शन होते हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस भी हैं। तो ये उनके जंक्शन की जो है ये पाँच टाइप यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये जो पहली टाइप के जो एनिमल टिश्यू हैं वो यहाँ पर हमारे जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ये फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। इसी के साथ अब हम देखते हैं थोड़ा सा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड टाइप ऑफ यहाँ पर जो टिश्यू है आफ्टर एपिथेलियम, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। एज द नेम इंडिकेट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन। इनका काम क्या होता है, दो चीज़ों को कनेक्ट करना है, दो ऑर्गन को कनेक्ट करना है, बॉडी के दो हिस्सों को कनेक्ट करना है, कनेक्शन का काम इसका होता है, कनेक्ट करने का काम होता है, इसीलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। तो क्या है, दीज आर द टिश्यू विच बाइंड्स सपोर्ट एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द टिश्यू और ऑर्गन। ये यहाँ पर ऑर्गन को या टिश्यू को बाइंड करते हैं, बांधने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, सहारा देने का काम करते हैं, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, उसको जो है ताकत भी देते हैं ताकि वो अपना काम सही ढंग से कर सके। तो ये जो टिश्यू होते हैं विच बाइंड्स विच सपोर्ट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द टिश्यू या ऑर्गन, ऐसे जो टिश्यू होते हैं उनको कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो हैं ये दो चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। सबसे पहली चीज़, इनके अंदर एक साइटोप्लाज्म लाइक मटेरियल होता है जिसको कहा जाएगा मैट्रिक्स। इंतहाई हेवी थिक मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर भी, तो 90% वाटर, इसके अंदर वाटर कम रहेगा, तो जेली लाइक मटेरियल यहाँ पर रहेंगे जिसको मैट्रिक्स कहेंगे। और मैट्रिक्स के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल जो आगे आने वाले हम देखेंगे, और यहाँ पर कुछ फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। सेल दे परफॉर्म देयर फंक्शन, और यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो याद रखना है, कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स, एंड इन द मैट्रिक्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट। इसका काम क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन। हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जितने भी हैं वो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन हैं, उनको जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट करना, उनको सपोर्ट करना, ये काम जो इसका होता है। एंड दे आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर हीलिंग प्रोसेस।
हीलिंग का मतलब है जख्म का भर जाना। अगर कहीं पर इंजरी हो गई या कट गया है तो जो जख्म भरता है तो हीलिंग प्रोसेस को कहा जाएगा इंजोर्ड पार्ट दैट कैन बी हील्ड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि जब यहाँ पर कोई सा कट गया है, इंजरी हो गई है, जख्म हो गया है, वो सेल डैमेज हो जाते हैं, फिर यहाँ पर जो होते हैं एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्ट होता है, फाइबर्स बनते हैं और वो फिर उसको जो है ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं और वो हील हो जाता है, हीलिंग प्रोसेस होता है। इस तरीके से ज़ख्म भरने में भी ये जो है यहाँ पर मदद करते हैं। तो ये हो जाता है इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ टिशू दैट इज़ कॉल्ड एज कनेक्टिव टिशू। इंशाल्लाह अगले पीरियड के अंदर बहुत सारी टाइप इसके अंदर यहाँ पर जो है मौजूद होती हैं, एक टेबल के फॉर्म में हम उसको देखेंगे और वो टेबल जो ट्री डायग्राम यहाँ पर होता है, इसके डायग्राम होता है, अक्सर एग्जाम के अंदर मिसिंग प्लेसेस के ऊपर हमें जो उसको भरना है और ये हमारा एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर होता है। तो इंशाल्लाह अगले पीरियड के अंदर हम कनेक्टिव टिश्यू और उसके जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है उसके ताल्लुक से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, हम आगे बढ़ते हैं।